कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह माना है कि हर जगह कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है। और कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का यह बड़ा बयान जाहिर तौर पर कांग्रेस की चुनावी कैंपेन को झटका दे सकता है, क्योंकि हर जगह कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है। ये बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हरीश रावत ने यह माना है कि कांग्रेस की जगह अब बीजेपी ने ले ली है कई जगहों पर। क्या कुछ कहा है हरीश रावत ने, सुनवाते हैं आपको। हम को जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि ये भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। ये बयान जो सत्यता है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। Zee News.